वेलकम टू द एसईओ डेवलपर्स फ्रेंड्स। डियर फ्रेंड्स, आज मैं आपको वेबसाइट की इंपोर्टेंस बताने जा रहा हूं कि क्या आपके बिजनेस या सर्विसेज के लिए वेबसाइट का होना जरूरी है, आज हम ये जानेंगे। डियर फ्रेंड्स, हम सबसे पहले इंटरनेट की अहमियत को समझते हैं क्योंकि आज सब कुछ इंटरनेट नेटवर्क के साथ जुड़ा हुआ है। डियर फ्रेंड्स, इंटरनेट एक वसी नेटवर्क है जिसके जरिए पूरी दुनिया एक दूसरे के साथ जुड़ी हुई है। आज हर कोई इंटरनेट पर मौजूद है। जैसा कि हमने अगर प्रोडक्ट बाय एंड सेल करनी हो, स्किल्स लर्न करनी हो, टीवी देखना हो, यहाँ तक के नए दोस्त बनाने हो और अपने प्यारों से बात करनी हो, इसके अलावा वो सब कुछ जो आप करना चाहते हैं वो सब आज इंटरनेट के जरिए मुमकिन है। तो फ्रेंड्स, क्या इंटरनेट पर आपकी मौजूदगी होनी चाहिए? अगर आपका जवाब है यस, तो चलिए शुरू करते हैं। डियर फ्रेंड्स, फेसबुक पे 2.7 बिलियन एक्टिव यूजर है जो हर रोज फेसबुक पर घंटों गुजारते हैं। तकरीबन आज हर कोई फेसबुक पर मौजूद है। अगर आप चाहते हैं कि वो सब आपको जाने कि आप कौन हैं और क्या करते हैं, तो इसके लिए आपकी वेबसाइट का होना जरूरी है। वेबसाइट के जरिए आप अपने और अपने काम के बारे में तफसील से एक्सप्लेन कर सकते हैं। अगर आप बिजनेस करते हैं तो आप अपने बिजनेस को वेबसाइट के जरिए इंटरनेट नेटवर्क के साथ जोड़ सकते हैं और जहां भी आप चाहें अपनी बिजनेस वेबसाइट को दिखा सकते हैं। अगर आप ये चाहते हैं कि फेसबुक के 2.7 बिलियन एक्टिव यूजर आपकी प्रोडक्ट को देखें, तो आप वेबसाइट बनाकर उनको अपनी प्रोडक्ट दिखा सकते हैं। डियर फ्रेंड्स, आप अपनी बिजनेस वेबसाइट को सिर्फ अपने मुल्क ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में दिखा सकते हैं। आज तकरीबन छोटा ब्रांड हो या बड़े ब्रांड्स हो, वो सब वेबसाइट के जरिए अपने बिजनेस को आगे बढ़ा रहे हैं जिससे उनकी इनकम में इजाफा हो रहा है। डियर फ्रेंड्स, वेबसाइट का एक सबसे बड़ा फायदा ये भी है कि ये 24/7 डेज ओपन रहती है। तो अगर आपकी बिजनेस वेबसाइट हो तो हर कोई किसी भी वक्त आपकी वेबसाइट से ऑनलाइन शॉपिंग कर सकता है। इसको हम ऑनलाइन शॉप बोलते हैं, जिसको लॉकडाउन का भी खतरा नहीं होता, सब कुछ ऑनलाइन हो रहा होता है। हर कोई घर बैठे इंटरनेट के जरिए ऑनलाइन शॉप से शॉपिंग कर रहा होता है, जिससे आपका कारोबार पूरी दुनिया में 24/7 डेज चल रहा होता है। फ्रेंड्स, अगर आप अपने बिजनेस की वर्ल्ड वाइड एडवर्टाइजमेंट करना चाहते हैं तो वो भी मुमकिन है। आप डिजिटल मार्केटिंग के जरिए अपनी बिजनेस वेबसाइट को पूरी दुनिया में प्रमोट कर सकते हैं, जिसको हमने अपनी पिछली वीडियो में एक्सप्लेन किया था। जैसा कि अभी हमने आपको बताया कि अगर आप अपनी बिजनेस वेबसाइट को फेसबुक ऑडियंस को दिखाना चाहते हैं तो आप डिजिटल मार्केटिंग के जरिए अपनी वेबसाइट फेसबुक यूजर्स को दिखा सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आप अपने बिजनेस को आगे बढ़ाना चाहते हैं तो आज ही अपने बिजनेस की वेबसाइट बनाएं, क्योंकि अब वेबसाइट को बनाने के लिए लाखों रुपए खर्च नहीं करने पड़ते। आप थोड़े से पैसे खर्च करके अपने बिजनेस को ऑनलाइन वर्ल्ड पर ला सकते हैं। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूं ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल रही होगी। अगर आपका वेबसाइट के रिलेटेड कोई भी सवाल हो तो आप नीचे कमेंट्स बॉक्स पर पूछ सकते हैं। इसी के साथ आप मुझे इजाजत दीजिए, तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में इंशाल्लाह। तब तक आप अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखें, और अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी कर लें और साथ में दिए गए बेल बटन को भी प्रेस कर दें ताकि आपको हमारी आने वाली नई वीडियो सबसे पहले मिल सकें। शुक्रिया।